दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर लोग सुंदरता को केवल गोरे रंग से मापते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में सुंदरता को मापने के मायने जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं, जो निर्भर करता है कि आप किस देश में रहते हैं और वहाँ की संस्कृति कैसी है। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ सुंदरता ऐसी चीजों से तोली जाती है जिन्हें आप अजीब या सुंदरता की श्रेणी में रखते ही नहीं हैं, जबकि अन्य देशों में इन्हीं चीजों को खूबसूरत और सेक्सी कहा जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर किन देशों में खूबसूरती को किस तरह मापा जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लिप प्लेट। साउथ इथियोपिया में तुर्काना झील के पास सुरमा जनजाति रहती है और इस जनजाति में किसी महिला की खूबसूरती उसके होठों से नापी जाती है। इस जनजाति में एक महिला के होठ जितने लंबे होते हैं उसे उतना ही खूबसूरत समझा जाता है। इनके होठ में इस्तेमाल की जाने वाली प्लेट बिल्कुल गोल होती है जिसे लकड़ी या मिट्टी से बनाया जाता है और इन प्लेट का साइज 4 से 25 सेंटीमीटर होता है। इस जनजाति में किसी महिला के होठ में प्लेट डालने से पहले उनके 4 से 5 दांतों को तोड़ा जाता है और होठ काटने के बाद उसमें प्लेट को फंसा दिया जाता है और ऐसा अक्सर यौन अवस्था के समय किया जाता है। इस प्रोसीजर को एक महिला की जिंदगी में कई बार दोहराया जाता है ताकि उनके होठों को ज्यादा से ज्यादा लंबा किया जा सके, जिससे वह और भी खूबसूरत दिख सके। नोज प्लग्स। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली एपेतानी ट्राइब की औरतें लड़ाई में दुश्मनों के हाथ आने से बचने के लिए नोज प्लग का इस्तेमाल किया करती थी। ऐतिहासिक काल में इस आइडिया को इस जनजाति के लीडर द्वारा लाया गया था क्योंकि लड़ाई जीतने के बाद दुश्मन खूबसूरत औरतों को यहाँ से उठा कर ले जाया करते थे, जिस वजह से खूबसूरती छिपाने के लिए इस नोज प्लग के आइडिया को लाया गया था ताकि दुश्मन औरतों को हथियाना छोड़ दें। नोज प्लग के अलावा इस जनजाति की महिलाएं खूबसूरत ना दिखने के लिए अपने माथे, नाक और थोड़ी पर टैटू बनाया करती थी, लेकिन साल 1970 में इस ट्राइब ने ऐसा करना छोड़ दिया था और आज केवल बूढ़ी औरतों की नाक में ही इन नोज प्लग को देखा जा सकता है। वैम्पायर टीथ। साल 2013 को जापान में वैम्पायर की तरह नुकीले दांत रखना लड़कियों के बीच ट्रेंड बन गया था और वह अपने दांतों को नुकीला बनाने के लिए अंडरगो प्रोसीजर कराने लगी थी ताकि इनके दांत वैम्पायर की तरह नुकीले दिख सकें, क्योंकि नुकीले दांत वाली लड़कियों को जापान में खूबसूरत समझा जाता है। इसीलिए जापान में बहुत से ऐसे डेंटल क्लिनिक हैं जो केवल आपके दांत को नुकीला बनाने का काम करते हैं। लोटस फीट। लोटस फीट और फुट बाइंडिंग एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसकी शुरुआत चीन में रहने वाली तैंग वंश की एक औरत ने की थी। यह अपने पैरों को बहुत टाइट बांध लिया करती थी जिसके बाद चीन में करोड़ों औरतें ऐसा करने लगी थी। यह औरतें अपने पैरों को आकार देने के लिए गर्म पानी में भिगोती और तेल से मसाज करने के बाद बांध लिया करती थी, जिससे उनके पैर इस तरह मुड़ जाया करते थे। यह प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक हुआ करता था और ऐसा आकार पाने के लिए 2 साल तक लड़कियों को खतरनाक दर्द सहना पड़ता था। इस तरह का प्रोसीजर चीन में बड़े घराने की लड़कियां किया करती थी, इसीलिए अन्य लड़कियां भी खुद को बड़े घराने का दिखाने के लिए ऐसा करने लगी थी और ऐसा करना उनके लिए बहुत ही दर्दनाक हुआ करता था। स्लैश टू बी ब्यूटीफुल। किसी की भी सुंदरता में चोट के निशान दाग की तरह होते हैं जिनसे निजात पाने के लिए लोग प्लास्टिक सर्जरी तक करवाते हैं, लेकिन शरीर पर घाव देना कई देशों की प्रथा भी है। अफ्रीका के गीनिया से लेकर कई देशों में महिलाएं और पुरुष इस दर्द भरी प्रथा से गुजरते हैं। यहाँ महिलाएं अपने धड़ और छाती पर निशान लगवाती हैं क्योंकि इसे आकर्षक और कामुक माना जाता है और यह दाग एक महिला की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक भूमिका और उसके वंश की निशानी को दर्शाते हैं।
दोस्तों आपको क्या लगता है कि असल मायने में खूबसूरती क्या है, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।